अयोध्या जनपद के सिविलान स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बेसिक शिक्षा विभाग समस्त अनुभाग पटल सहायकों व कर्मचारियों द्वारा राजेंद्र प्रसाद मौर्य कनिष्ठ लिपिक को सहायक अध्यापक संजय कुमार सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय त्रिलोकीपुर मया द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी गयी, जिसके विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरने की अध्यक्षता प्रेम कुमार सिंह व संचालन एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के पूर्व मंडलीय मंत्री अनुराग खरे ने किया। धरने को संबोधित करते हुए अनुराग खरे ने कहा कि इस कृत्य की जितनी निंदा व बचरना की जाए कम है, तथा उन्होंने कहा कि यह कृत्य शिक्षक आचरण के सर्वथा विपरीत है। आज इस धरने में मुख्य रूप से अवधेश कुमार, राहुल मिश्रा, गंगा राम, श्रीमती रीता रानी श्रीवास्तव, विनोद कुमार यादव, सविता रावत, श्रीमती नर्मदा कुमारी, रीतु, गिरीश चंद, मुकुल चंद श्रीवास्तव के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी नेतागण शामिल रहे। कर रहे थे 10:30 बजे, कुछ 4-5 अध्यापक आए, इनसे किसी कार्य के लिए उन्होंने बताया, तो इन्होंने कुछ बताया कि उसमें कुछ कागज की कमी है या आपत्ति थी, उसको रिमूव हो जाए, निस्तारण हो जाए, उसके बाद आपका कार्य हो जाएगा। तो उतने में वो लोग भड़क गए और इनके ऊपर मतलब जान से मारने की धमकी देना, गंदी गंदी गालियां देना हमारी महिला साथियों के सामने भी, तो इससे क्षुब्ध होकर हम लोगों ने धरना लगाया है। और हर अध्यापक है, किस विद्यालय के हैं ये अध्यापक? मया मवई, मवई मवई और मया बाजार के लगभग है। संजय कुमार सिंह, नाम क्या है? संजय कुमार सिंह, जय हिंद प्रताप सिंह। क्या किसी संगठन के हैं ये लोग? नहीं, शिक्षक शिक्षक संगठन के हैं? नहीं, संगठन शिक्षक जो है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। क्या आज ज्ञापन सौंपेंगे आप? ज्ञापन बीएसए महोदया को दिया गया है, बीएसए महोदया ने लेखाधिकारी महोदय को कराने के लिए जांच करने के आदेश किए हैं कि 2 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट अपनी सौंपे। अब जांच रिपोर्ट में जो लेखाधिकारी महोदय कहेंगे उसी प्रकार से कार्रवाई बीएसए महोदया करने का आश्वासन दे चुकी है। जय हिंद। संजय कुमार सिंह, सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल त्रिलोकपुर मया, और जय हिंद प्रताप सिंह, ये आए, वेतन बिल के बारे में बताए। हम कहें कुछ कमी है, पूरी हो जाएगी, इसको हम भुगतान करा देंगे। इसको सुनने के बजाय वो हमको केवल माँ बहन की गाली देते हुए मार डालने की धमकी दे रहे हैं कि नहीं हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कभी मार डालेंगे, तुमको अभी मार देते हैं। क्या कोई प्रणय रंजिश आपकी? कोई रंजिश नहीं, कि विलम्ब के नाते उन्होंने ऐसा बात इस्तेमाल किया, विलम्ब हो रहा है। कितना समय दिया आप लोगों ने आज अल्टीमेटम? अल्टीमेटम हमने कुछ नहीं दिया, बस 1 हफ्ते के लिए अंदर हमने कहा कि इसको करवा देंगे, कुछ आपत्तियां हैं आपत्तियां दूर करा के करवा देंगे, जब सूचना भी मांगी उसका भी हमने जवाब दे दिया। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अभी आप जिस यहाँ धरने बैठे हैं आप लोग जी, कितना समय दिया आपने? हमने समय नहीं दिया है उनको, समय नहीं दिया है हमारा, 2-3 दिन का 2 दिन का समय मैडम ने दिया है लेखाधिकारी। आज कार्रवाई हो जाएगी, क्या FIR करवाएंगे आप? जी हाँ, और हम लोगों का, हम लोग जो है बीएसए महोदय और लेखाधिकारी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि वो नैतिक समर्थन हमको दिया है उन्होंने। क्या नाम है? अनुराग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 68,500 शिक्षकों की काउंसलिंग आज ही होनी थी, पर आज बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन को लेकर कार्य का बहिष्कार भी किया गया। आपको बता चले अयोध्या के कई ब्लॉकों व तहसीलों से आई हुई महिलाओं व पुरुषों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें रज्जू गुप्ता मसौदा, अंजू गोसाईगंज, प्रवेश कुमार यादव हरंडीगंज, श्रद्धा पूरा व्यास से, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर आए थे जो दर दर भटक रहे थे। 112 लोगों की काउंसलिंग है, बट यहाँ पे धरना होने की वजह से आज काउंसलिंग कैंसिल हो गई है। ये लोग कार्य करने से मना कर रहे हैं और बोला जा रहा है हमें कि कल होगी काउंसलिंग और अलॉटमेंट हमें परसों दिया जाएगा, जबकि हमें काउंसलिंग की डेट दी गई है 8 और 9। तो हमें यही था कि हम लोग सुबह से आए हुए हैं कि आज काउंसलिंग होगी और कल हमें अलॉटमेंट मिल जाएगी। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुसाईगंज से। इन्होंने क्या कहा यहाँ पे? यही कह रहे हैं कि आज हम लोग धरने पे हैं और आज नहीं हुआ काम, कल काम होगा, तो कल ही हम लोग आप आइएगा, कल आज जाइए, कल काम शुरू होगा। क्या नाम? निमिषा। वैसे बात हुई आपकी? सर हमारे यहाँ पे जो लोग हम लोग को अंदर ही नहीं जाने दे रहा है, यहीं पे बाहर ही गिराव करके बैठे हैं। अच्छा, आपको अंदर जाने दिया रहा है? अभी तो सर नहीं, अभी तो यही तो। आज काउंसलिंग डेट थी यहाँ पर, और क्या ऐसा हो गया कि जो है आपको नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे सब लोग धरना किए बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मतलब कार्य नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ पे नहीं। आप लोग अभी अंदर गए या नहीं गए? अंदर जाने ही नहीं दिया गया हमें। कौन लोग जाने दे रहे हैं? यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी लोग हैं। तो इसकी शिकायत आपने किया किसी से? अभी तो हम पहुँच ही रहे हैं। आप कहाँ से? ही क्या नाम है सर? मेरा मसौदा ब्लॉक से आया है, फिजाबाद रंजू गुप्ता नाम है। We'll be right back.
अयोध्या जनपद के जिला पूर्ति कार्यालय अधिकारी ने बताया कि जनपद में ई पोस्ट मशीन से अंगूठा लगाकर फरवरी माह में कोटेदार द्वारा जो राशन वितरण किया गया, ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या के शहरी क्षेत्रों में 95.95% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 91.43% लोगों को राशन वितरण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पूर्ति अधिकारी सोमनाथ यादव से बातचीत के दौरान उक्त जानकारी की पुष्टि की गई। देखिए, अयोध्या में जो शहर है उसमें 40,000 कार्ड हैं। इन में से 95.95 तकरीबन 96% लोगों को अंगूठा लगा के जो ई पास मशीन आई है उससे वितरण हुआ है। यह ऑनलाइन जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑनलाइन रिपोर्ट है। शहर में इतना बेटर तो पहले से चल रहा था क्योंकि लगभग एक साल से शहर में ये ई पास से वितरण चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ई पास से वितरण फरवरी से हुआ है। जनवरी में मशीन आई, उसको हमने उसको एक्टिवेट किया और फरवरी से वितरण किया। लेकिन फरवरी में हमारे इंस्पेक्टरों ने बहुत मेहनत किया, जो ओएसिस कंपनी है जिसने ई पास मशीन दिया उसके इंजीनियर कि हमने लगातार बैठक की, उसका रिजल्ट ये था कि पहले महीने में फरवरी में भी 91.43% 4,16,000 राशन कार्डों के अगेंस्ट 91.43% वितरण बायोमेट्रिक हुआ है, अंगूठा लगा के लोगों ने लिया है। और यह प्रक्रिया आगे तक चलती रहेगी। इससे जो ब्लैक मार्केटिंग या डाइवर्जन या ये बात थी कि दुकानदार नहीं दे रहा है, तो अब चूंकि उसके डेटाबेस में आधार लगा हुआ, आधार अंगूठा लगेगा तभी गल्ला मिलेगा। अच्छा, सर्वर की प्रॉब्लम रहती है अक्सर? हाँ, वो नई व्यवस्था है तो नई व्यवस्था में थोड़ी सर्वर की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन एक दो दिन प्रॉब्लम रहती है। पिछले महीना जैसे 2-4 दिन थी शॉर्ट आउट हो गई। हमने सभी लोगों से, दुकानदारों को कहा भी कि ये लिख के दे दीजिए, थोड़ा धैर्य रखें, एक दो महीना की प्रॉब्लम है, फिर रेगुलर जैसे शहर में रेगुलर हो गया वैसे वहाँ भी हो जाएगा, लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला। अच्छा, जैसे ये कोटेदार हैं अयोध्या जनपद के, हाँ, तो इनको क्या संदेश चाहते हैं कि जो है कैसे ये उपभोक्ताओं को सूचना मुहैया कराने कैसे क्या है? नहीं, ये तो हम ये कहते हैं कि जैसे अगर सर्वर डाउन है, लोग पब्लिक आ रही है, तो पहले तो ये था कि एक दो दिन वितरण होगा, अब तो उनको रोज उसी परिसर में अपनी दुकान के 100 मीटर रेडियस में अपनी दुकान को रख मशीन को रखना है, तो एक सूचना पट लगा देंगे भाई सर्वर है। और अब एक चीज़ और बता दें आपको, दुकानदार भी धीरे धीरे समझ रहा है, तमाम दुकानदार कम पढ़े लिखे हैं, तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त सर्वर ठीक हो जाता है। तो हमने कहा कि ऐसी दशा में उनसे रिक्वेस्ट कर लो एक घंटा पहले लोग आ जाए या शाम को आ जाए। तो ये लास्ट में फरवरी के लास्ट में हमने जब ये एक्सरसाइज प्रैक्टिकल में किया तो बढ़िया परसेंटेज आया।